नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संस्थानों को सम्मानित किया। आयोजन में 26 खिलाड़ियों को खेल की अलग अलग विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार विजेताओं को देश के तमाम दिग्गजों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। वैज्ञानिकों ने साल 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया है। यूरोप की एक जलवायु एजेंसी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 के औसत वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस इजाफा हुआ है। इसके अलावा जनवरी या फरवरी 2024 में 12 महीने की अवधि पूरी होने पर तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे जलवायु पर प्रभाव पड़ सकता है। फ्लाइट में यात्रा करने वालों को एयरलाइंस की टाटा कंपनी ने खुशखबरी दी है। एयर इंडिया ने एक स्पेशल प्रमोशन कैंपेन टाइम टू ट्रैवल लॉन्च किया है। टाइम टू ट्रैवल कैंपेन के तहत देश के कई हिस्सों में टिकट की कीमतों में छूट दी गई है। एयरलाइंस का यह ऑफर 11 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2025 तक वैलिड रहेगा। मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण किया। निर्माण नियमावली के तहत भारतीय रेलवे की परियोजनाओं को तेजी से निष्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। नियमावली में भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पुल डिजाइन और सुरंगों सहित कई गतिविधियों को शामिल किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 31 कोचिंग सेंटरों को भ्रामक विज्ञापन के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही 9 कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया है। प्राधिकरण ने ऐसे कोचिंग सेंटरों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई की है। जो कोचिंग सेंटरों को दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर लोगों को भ्रमित करते हैं, प्राधिकरण ने बताया है कि कुछ संस्थान सफल उम्मीदवारों के पाठ्यक्रम या उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी चुराकर लोगों को भ्रमित करते हैं और कुछ संस्थान बिना किसी सत्यापित साक्ष्य के 100% चुने जाने और नौकरी की गारंटी जैसे दावे करते हैं। सीबीआई ने रेलवे भर्ती केंद्र की विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में देश भर में 12 जगह छापेमारी की है। पश्चिमी रेलवे ने रेलवे और एक निजी कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। शिकायत में कुछ उम्मीदवारों को WhatsApp मैसेज के जरिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 की तारीख में बदलाव किया गया है। विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने नीट PG 2024 का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब 3 मार्च को होने वाली नीट 2024 की परीक्षा 7 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला जीतने के बावजूद सीरीज को 2-1 से गवा दिया। सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने 147 रनों का स्कोर बनाया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 18 ओवर और 4 गेंदों में ही लक्ष्य को पूरा कर मैच जीत लिया। इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा था। मंगलवार को देश के मशहूर शास्त्रीय संगीतज्ञ उस्ताद राशिद खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस्ताद राशिद खान 55 साल के थे। राशिद खान ने संगीत की दुनिया में भारतीय संस्कृति को विश्व भर में एक अनोखी पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस्ताद राशिद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म छोटे मियां बड़े मियां की रिलीज डेट तय हो गई है। खिलाड़ी अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बड़े मियां छोटे मियां का लुक शेयर किया। उन्होंने कहा है कि फिल्म की रिलीज को अब बस 3 महीने बचे हैं। इसके साथ ही एक्टर ने साफ किया है कि बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद पर रिलीज हो रही है, यानी फिल्म 10 अप्रैल 2024 को थिएटर्स में दस्तक देगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।